हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रियंका जोशी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा प्लॉट साइज है 34 फीट बाय 40 फीट। ये ईस्ट फेसिंग है, तो हमारा जो एंट्रेंस है ईस्ट की तरफ से है। सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक बार फिर से आपको बोल देती हूँ, जहाँ पे मैंने W लिखा है वो विंडोज़ है, जहाँ पे V लिखा है वो वेंटिलेटर्स है, और जहाँ पे D लिखा है वो डोर्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्लान है हमारा वो बहुत ही स्पेशियस है, वो 2 BHK है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप गार्डन स्पेस एक प्लॉट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ईस्ट साइड पे है हमारा एंट्रेंस, ये है वरांडा। जो है 6 फीट बाय 10 फीट का एंट्रेंस में हमने एक पोर्च भी दिया है, जिसमें आपकी एक कार आराम से फिट हो जाएगी। ये है मेन एंट्रेंस। और एंटर करते ही लिविंग रूम, जिसका साइज है 17 फीट बाय 13 फीट। लिविंग रूम को अटैच है पूजा रूम, जिसका साइज है 4 फीट बाय 5 फीट। यहाँ से एक स्टेयरकेस जाती है ऊपर की तरफ से। अगर आप चाहे तो इस वॉल को हटा के स्टेयरकेस को दिखा भी सकते हैं, स्टेयरकेस को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेयरकेस हिडन रखना है तो आप यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने स्टेयरकेस दिया है जो ऊपर की तरफ जाता है, टेरेस की तरफ, या फिर अगर आपको फ्यूचर में वहाँ पे कुछ एक्सपांड करना है ऊपर तो हमको एक स्टेयरकेस लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे है किचन एंड डाइनिंग। जो है 10 फीट बाय 14 फीट। किचन को अटैच है ड्राई बालकनी, जो है 10 फीट बाय 3 फीट। ड्राई बालकनी से नीचे उतरते ही आपको एक गार्डन स्पेस मिलेगा बाहर की तरफ से, जो डायरेक्टली एंट्रेंस को कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो किचन के नीचे है स्टोर, जो है 10 फीट बाय 3 फीट। अगर आपको ये स्टोर एक्सपांड करना है तो आप स्टेयरकेस के नीचे जो जगह मिलेगी वहाँ पे इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, या आप इसको 10 फीट बाय 3 फीट का भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा कॉमन टॉयलेट, जो है 4 फीट बाय 7 फीट का। अगर आप चाहे तो ये बाहर का जो वॉल है उसमें एक बेसिन ऐड कर सकते हैं, वॉश बेसिन, क्योंकि जो प्लम्बिंग की लाइंस है वो टॉयलेट की यहाँ से ही जाएगी। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग है तो डाइनिंग और बेसिन जो है कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये लिविंग रूम से डायरेक्टली विजिबल है जो वॉश बेसिन है, तो यहाँ पे आप एक डोर दे सकते हैं या फिर एक स्क्रीन भी दे सकते हैं। तो आते हैं बेडरूम की तरफ। हमने यहाँ पे 2 बेडरूम्स प्रोवाइड की है नीचे। तो ये जो बेडरूम है वो है 13 फीट बाय 11 फीट विथ अटैच टॉयलेट, जो है 4 फीट बाय 6 फीट। बेडरूम 2 जो है वो भी है 13 फीट बाय 11 फीट विथ अटैच टॉयलेट, जो है 6 फीट बाय 5 फीट का।
तो ये हमारा प्लान रेडी है। बाहर की तरफ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो ड्राई बालकनी से आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गार्डन स्पेस आपको मिलेगा, जहाँ पे आप लॉन या ट्रीज़ या जो भी आपको चाहे प्लान कर सकते हैं। ये डायरेक्टली पोर्ट से कनेक्टेड है, जो एंट्रेंस से कनेक्टेड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 34 फीट बाय 40 फीट का प्लान रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।